So in this textile industry waste, it can be classified into cotton, wool, and synthetic that I have already told you. And the process is kind of same. So first we'll talk about cotton textile industry. So in cotton textile industries, there are few processes in which from which they this thing. The raw cotton is plucked from plant and then it is processed and then it is converted into a thread, and that thread is then weaving is the process, and then the textile comes. So here are the few process. An integrated cotton textile mill produce its own yarn from raw cotton. Production of yarn from raw cotton includes step like opening and cleaning, picking, cardening, drawing, spinning, winding, and wrapping. All these sequences are dry operation, and such as there are no contribution to liquid waste to the mills. So when they process the raw cotton, these processes are dry, so they don't include that much waste in that particular industry. So, but the process like slashing, sizing, desizing, bleaching, dyeing और फिनिशिंग, ये प्रोसेस होते हैं मेन जो कि हमारी कॉटन इंडस्ट्री में लिक्विड वेस्ट या जो वेस्ट वाटर को जनरेट करते हैं, ठीक है? सो दीज प्रोसेस कार्डनिंग, ड्रॉइंग, कॉम्बिंग, स्पिनिंग एंड वेंडिंग एंड वीविंग, दीज आर दी ड्राई प्रोसेस एंड दीज आर दी प्रोसेस इन विच द रॉ कॉटन इज taken from those plants, and then it is processed like cleaning, combing, and weaving is like spinning. उसको मतलब प्रोसेस करके जो कॉटन अपना क्या कहते हैं सेग्रीगेट रहता है, तो उसको एग्रीगेट करते हैं और फिर उसको थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं. तो दीज आर दी प्रोसेसिंग ऑफ दोज रॉ कॉटन, है ना, एंड ड्राई. सो द एंटायर लिक्विड फेज फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री कम्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑफ स्लैशिंग, या बोले डिसाइजिंग, स्कोरिंग एंड डिसाइजिंग, ब्लीचिंग एंड मर्सराइजिंग एंड डाइंग एंड फिनिशिंग. तो अभी इन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. तो ये कुछ वो है प्रोसेस के, भाई पहले रॉ कॉटन को उनने अलग से, फिर उसको धागा बनाया, फिर उसको और क्या कहते हैं उसमें स्पिनिंग उसमें करके उसको क्या कहते हैं उसको गिट्टे में वो करा, फिर उसके बाद उसको अलग से उसको वीविंग कर दिया. वीविंग मतलब क्या होता है, धागों को इंटरलॉक करके, है ना, उसको कपड़े में कन्वर्ट कर देना, ठीक है. इन स्लैशिंग, स्लैशिंग क्या होता है, यह है वो वेस्ट वाटर जनरेट करने वाले. इन स्लैशिंग टू गिव इट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड स्मूथनेस नेसेसरी फॉर सब्सिक्वेंट वीविंग, ठीक है. स्लैशिंग द यार्न इज स्ट्रेंथेंड बाय लोडिंग इट विथ स्टार्च और अदर सीजिंग सब्सटेंस, स्टार्च वगैरह से उसको मतलब उसमें डाल के उसको उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं बेसिकली, है ना. तो वेस्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी सेक्शन ड्यू टू स्पिल्स एंड अदर फ्लोर वॉशिंग एट द वीकेंड आफ्टर स्लैशिंग द यार्न गोज फॉर वीविंग, ठीक है. और दी प्रिपेयर्ड क्लॉथ न्यू नाउ रिक्वायर्ड स्कोरिंग एंड डिसाइजिंग टू रिमूव नेचुरल इम्प्योरिटीज एंड स्लैशिंग कंपाउंड्स, ठीक है. जो केमिकल्स वगैरह यूज हुए थे तो वो उनको रिमूव करने के लिए उसको कहाँ, स्कोरिंग के लिए. एंजाइम्स आर यूजली यूज इन इंडिया टू हाइड्रोलाइज द स्टार्च, एसिड में यूज फॉर दिस पर्पस, ठीक है. तो इन दीज प्रोसेस दे आर यूजिंग एसिड्स, एंजाइम्स एंड अदर केमिकल्स एंड अदर सब्सटेंसेस, ठीक है. कास्टिक सोजा, सोडा एश, डिटर्जेंट एक्स्ट्रा आर यूज फॉर स्कोरिंग इन की बॉयलर. तो वो जो बॉयलर्स में इनको मतलब अदर केमिकल्स से और वैसा करके उनको मिक्स करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए और वो स्ट्रेंथन करने के लिए, और जो स्ट्रेंथन करने के बाद जो क्लीनिंग के लिए, जो मतलब इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए उसको चेंज करते हैं, ठीक है.
तो ये प्रोसेस है। और टू रिमूव दी नेचुरल इम्प्योरिटीज सच एज ग्रीस, वैक्स, फैट्स एंड अदर इम्प्योरिटीज, दी डी साइज क्लॉथ आर सब्जेक्टेड टू केयर बॉइलिंग। ठीक है, दैट इज दे आर बॉइल्ड विद द एड ऑफ स्टीम इन दी अल्कलाइन सॉल्यूशन कंटेनिंग कास्टिक सोडा। ठीक है, तो ये सब करने के बाद उसको जो इम्प्योरिटीज या वैक्स जो ऑयल वगैरह उनको रिमूव करने के लिए वो अल्कलाइन सॉल्यूशन में बॉयलर में फीड करते हैं। ठीक है, और आफ्टर बॉइलिंग द स्पेंट लिक्विड डिस्चार्जेस वेस्ट। तो जो भी इसका है बॉइलिंग ऑयलिंग जो केमिकली सब्सटेंस है वो वेस्ट में डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, दिस इज स्ट्रॉन्ग वेस्ट, डार्क ब्राउन इन कलर एंड हाईली अल्कलाइन। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, डार्क ब्राउन कलर का रहेगा और अल्कलाइन रहेगा। और मतलब जैसा कि इसमें बहुत सारे एंजाइम और ये सब डिटर्जेंट, सोडा, वॉशिंग और क्लीनिंग के लिए अगर वो है और विद दी हेल्प ऑफ केमिकल्स, तो इट मे कंटेन केमिकल्स, इट विल कंटेन केमिकल्स बेसिकली। एंड टेम्परेचर ऑफ दिस एफ्लुएंट इज हाई, सिंस इट इज कम्स फ्रॉम बॉयलर वाटर, द टेम्परेचर इज हाई, है ना। बीओडी ऑफ दिस लिक्वर इज ऑल्सो हाई, कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 35% ऑफ टोटल वेस्ट। ठीक है, लगभग इस पूरे प्रोसेस का 35% जो बीओडी है टोटल उसका, उसका 35% इस वेस्ट से आ रहा है। सो रिप्लेसमेंट ऑफ सोप यूज इन स्कोरिंग बाय लो बीओडी डिटर्जेंट में रिड्यूस बीओडी बाय 35%। तो अगर उन डिटर्जेंट्स को रिप्लेस कर दें उनसे, मतलब सोप वगैरह से मतलब वैसा, मतलब कम केमिकल वाले या कम डिटर्जेंट वाले उसको, सोप्स को रिप्लेस करें, तो हम उसको कम कर सकते हैं लगभग 50% तक। ठीक है, और ब्लीचिंग, ब्लीचिंग क्या होती है, ब्लीचिंग में क्या होता है, कलर उड़ाना या वैसा करके, है ना। ब्लीचिंग ऑपरेशन आर यूज ऑक्सीडाइजिंग केमिकल, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड वगैरह से। तुम लोग भी बाल वगैरह लगा के कलर उड़ा लेते हैं, नहीं उड़ा लेते थे? तो ब्लीचिंग ऑपरेशन यूज ऑक्सीडाइजिंग केमिकल लाइक पेरोक्साइड एंड हाइपोक्लोराइट टू रिमूव नेचुरल कलरिंग मटेरियल एंड टू रेंडर द क्लॉथ वाइट। ठीक है ना। सो ब्लीचिंग का प्रोसेस हमें पता है कि भाई ब्लीचिंग क्यों करते हैं। सो ब्लीचिंग प्रोसेस इज नेचुरली वेयर फैब्रिक्स हैव टू गिवन फुल वाइट, और है ना, या फिर उसको किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक शेड में उसको कलर देने के लिए। ठीक है, इन दिस प्रोसेस नेचुरल कलरिंग मैटर इन द टेक्सटाइल मटेरियल इज रिमूव्ड बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग केमिकल लाइक पेरोक्साइड एंड हाइप्रोक्लोराइड्स। सो इन इनकी मदद, इन जब ये रहेंगे तो इसमें मतलब केमिकल वो रहेगा, है ना। और इस प्रोसेस से क्या होता है, इलास्टिसिटी और वो उसकी जो, मतलब देखो अगर ज्यादा व्हाइट है तो उस पर कलर भी अच्छे से चढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से, सो दिस वेस्ट फ्रॉम दिस सेक्शन रिसाइकल्ड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिकवरी। तो इससे क्या हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिकवरी हो सकती है अगर हम रिसाइकल करें इस वेस्ट को। और डाइंग, सो डाइंग इज लाइक वन ऑफ द मेन एंड वेरी थिक, या बोले तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा एक कंट्रीब्यूटर है फॉर द वेस्ट ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो डाइंग मे बी डन इन वेरियस वे बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डाइज। देखो डाइज दो तीन प्रकार की होती हैं, एक कुछ तो नेचुरल डाइज होती हैं और कुछ सिंथेटिक डाइज होती हैं। तो नेचुरल डाइज तो ठीक है, दे आर नॉट सो केमिकली, मतलब वो उतना केमिकली वो नहीं रहती कंटेमिनेटेड, या उसमें उतना केमिकल्स का यूज नहीं होता। ठीक है, बट दो सिंथेटिक डाइज दे आर मेड अप ऑफ सम हार्मफुल केमिकल्स, है ना। और देखो डाइज में दो प्रकार से पॉल्यूशन हो रहा है, एक तो डाइज का कलर, अगर कोई पॉल्यूटेंट है जिसका कलर वाइट हो और वो पानी में घुल जाए तो वो तो उतना समझ नहीं आएगा। बट इफ द कलर्ड पॉल्यूटेंट, मतलब अगर कोई अच्छा गहरा गहरे कलर का पॉल्यूटेंट अगर पानी में घोलेंगे, एक तो वो पानी का कलर चेंज करेगा, उसकी एस्थेटिक, उसकी वैल्यू भी खत्म होगी, और ऊपर से उसमें अगर सिंथेटिक डाइज है तो इट इज केमिकली मेड, एंड इफ दीज केमिकली मेड डाइज विल कंटेन मोर पॉल्यूटेंट्स, है ना। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डाइज, डायरेक्ट डाइज, नेचुरल डाइज, है ना।
So in this, they are used easy to apply and no chemicals are needed. Or basic dyes. So basic dye, acid dyes, बहुत सारे वो हैं. तो कुछ dyes acidic in nature होती हैं, कुछ dyes alkaline material से बनी होती हैं. तो उस तरह से. और ये देखो, अगर केमिकल कंपाउंड क्यों डालते हैं, ताकि उसको मतलब वो हो, उसका कलर पकड़े, ठीक है. और तो इसीलिए केमिकल कंपाउंड डाला जाता है, ताकि उसकी जो कलर पकड़ा रहे, अदरवाइज इट विल गोइंग टू वॉश डबल, है ना. सो दैट्स व्हाई दीज केमिकल डाइज आर यूज्ड. सो यहाँ पे बहुत सारी डाइज की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक दी है कि भाई दीज आर डार्क कलर, और क्यों, उसमें क्या क्रोमेट रहता है, और अलग अलग उसके केमिकल कंपोनेंट्स रहते हैं, ठीक है. सो और क्या है, और फिनिशिंग, फिनिशिंग सेक्शन ऑफ द मिल इम्पार्ट वेरियस फिनिशिंग ऑफ द फाइबर, वेरियस टाइप ऑफ केमिकल आर यूज्ड फॉर वेरियस ऑब्जेक्टिव. तो उसकी फिनिशिंग के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकल यूज होते हैं. और कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट कॉटन टेक्सटाइल मिल वेस्ट, ठीक है. तो ये कॉटन टेक्सटाइल मिल वेस्ट का ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है. लगभग बीओडी 700 की रेंज में है, सीओडी 14,000 टू 15,000 की रेंज में है, और पीएच थोड़ा सा इसका अल्कलाइन है ना, ड्यू टू इट्स कंटेंट. सो द सेकेंड इज वुलन टेक्सटाइल मिल. सो वेन वी टॉक अबाउट woolen textile mill, its process is kind of same. Here, there we were using those cotton plant, and here we are using those wools. ठीक है. So wool waste originate from scouring, carbonized, bleaching, dyeing, oiling, pulling, and finishing operation. Impurities of raw wool consisting mainly of wool grease and other foreign matter are removed by scouring. The wool is in hot detergent alkali solution. ठीक है. उसको अल्कली सॉल्यूशन में क्लीन करके, सम वूल आर स्कॉर्ड बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वूल ग्रीस में बी रिकवर्ड फ्रॉम स्कोरिंग वेस्ट बाय सेंट्रीफ्यूजिंग, कोगुलेशन एंड फ्लोटिंग, एंड मे बी प्रोसेस फर्दर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेनोनिंग एंड पोटाश. तो वूल को अलग तरह से क्लीन किया जाता है, ठीक है. और कार्बोनाइजिंग प्रोसेस इन विच हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स आर यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल मैटर इंटू वूल इंटू लूज स्कैर्ड पार्टिकल फॉलोड बाय मैकेनिकल डस्टिंग ऑफ द वूल, ठीक है. वूल में बी डाइड एट एनी स्टेज, इधर एट रॉ स्टॉक और आफ्टर स्पिनिंग एंड वीविंग, ठीक है. तो डाइंग प्रोसेस भी रहेगा, या तो शुरू में या तो फिर वीविंग के बाद, कपड़ा बनने के बाद. Normally, hot dye solution are circulated through the wool packed in a metal container in oiling, usually olive oil and bargain mineral. तो इसमें oil वगैरह भी रहेगा, different dyes भी रहेंगे and different chemicals भी रहेंगे. और pulling, pulling is an operation where the loosely woven wools from loom is shrunk into tight, closely woven cloth. To add these process, chemicals like soda ash, soap, etc. are used. तो इसमें भी केमिकल्स का यूज हो रहा है, ठीक है. और वेस्ट फ्रॉम डाइंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस आर कंट्रीब्यूटेड बाय स्पेंट लिक्विड्स एंड बाय सबसीक्वेंट वॉशिंग ऑफ पूल आफ्टर ब्लीचिंग, डाइंग एंड फिनिशिंग. तो इसमें डाइंग और फिनिशिंग और क्लीनिंग, इन सब प्रोसेस में बेसिकली डिफरेंट केमिकल्स यूज होते हैं. आई विल शेयर दीज नोट्स टूडे इन योर गूगल क्लासरूम. जस्ट रीड दोज नोट्स एंड जस्ट get to know that what are the various process in that particular process and what are the various process which are contributing the pollution, theek hai. Or what are the effects of cotton and textile wool mill in the sewer or stream. The crude waste if discharged into stream cause rapid depletion of dissolved oxygen. Agar ye usme, ye to ek bahut common problem hai, you can write in your exam, ठीक है, कि भाई डिजोल्व डीओ उसका कम होगा अगर उसका ऐसे ही उसको वेस्ट को अगर किसी स्ट्रीम में डाल दें. एंड द कंडीशन एग्रीगेट ड्यू टू, चीजें और बिगड़ेंगी ड्यू टू द सेटलमेंट ऑफ सस्पेंडेड सब्सटेंस एंड सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ द डिपॉजिटेड स्लज इन एनऑर्गेनिक एनारोबिक कंडीशन. तो क्या होगा जब सस्पेंडेड सॉलिड, मतलब एक तो डीओ कम होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा किसी भी स्ट्रीम का ऊपर से,
जो सस्पेंडेड सॉलिड है उनका सेटलमेंट होगा, तो वो एरोबिक एनारोबिक कंडीशन जनरेट करेंगी उसमें, ठीक है, और उसकी स्थिति खराब होगी। द अल्केनिटी एंड टॉक्सिक सब्सटेंस लाइक सल्फाइड एंड क्रोमियम इफेक्ट द ऑक्यूटेबल एक्योटिक लाइफ, ठीक है, एंड ऑल्सो इंटरफेयर विद द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। सम ऑफ द डाइज आर ऑल्सो फाउंड टॉक्सिक, जैसा कि मैंने पहले बताया कि दोज डाइज आर टॉक्सिक एंड दोज आर डाइज आर केमिकल कंपाउंड, है ना, और सम में भी एसिडिक एंड सम में भी अल्कलिनिक इन कंडीशन, ठीक है। सो तो दे में इंटरफेयर विथ दोज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑल्सो और एक्वेटिक लाइफ को भी प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। सो ट्रीटमेंट ऑफ कॉटन एंड वूलन टेक्सटाइल मिल वेस्ट, सो द ट्रीटमेंट ऑफ, तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, द पॉल्यूशन लोड ऑफ व्हील विद ऑपरेशन लाइक सेग्रेशन, इक्वलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, केमिकल प्रेसिपिटेशन, केमिकल ऑक्सीडेशन एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। तो ये है प्रोसेस जो कि हमारी जो टेक्सटाइल मिल वेस्ट को मैं दे सकते हैं, और भी हैं, सेवरल केमिकल आर यूज टू रिड्यूस द बीओडी बाय केमिकल कोगुलेशन, दीज आर एलम, फेरस सल्फेट। तो केमिकल कोगुलेशन से बीओडी रिड्यूस करने का वो है, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है न्यूट्रलाइजेशन के लिए लाइम और सल्फ्यूरिक एसिड वो करेंगे ताकि पीएच उसका एडजस्ट कर सके। कैल्शियम क्लोराइड आर फाउंड टू बी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग वूल स्कोरिंग वेस्ट, जो वूल स्कोरिंग जो है उसके वेस्ट को केमिकल कैल्शियम क्लोराइड सही कर सकता है, ठीक है, और दी डाई वेस्ट में बी ट्रीटेड इकोनॉमिकली बाय बायोलॉजिकल मेथड with prior to equalization, neutralization and chemical oxidation for certain process. मतलब जो dyes waste हैं वो biological method से वो हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले उनको equalization, neutralization और chemical oxidation उनको देना पड़ेगा, ठीक है, और जो toxic waste हैं वो, हाँ, those composite waste when free for toxic waste वो हमारे domestic sewage की तरह उनको treat किया जा सकता है, ठीक है। और trickling filter, activated sludge, waste stabilization pond, ये है biological treatment process which should be used, which are used in the treatment of textile industry, है ना। तो ये याद रख लेना कि भाई trickling filter, ASP और waste stabilization pond, ये तो देखो हर industry में ये process तो रहेंगे, ठीक है। एक्सीलेंट रिजल्ट वेर ऑब्टेन्ड विद एक्सटेंडेड एरेशन इन ट्रीटिंग स्ट्रॉन्ग वेस्ट इवन विदाउट इक्वलाइजेशन एंड प्री ट्रीटमेंट, दीज मेथड एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ स्लज डाइजेशन एज वेल, ठीक है। एक्सटेंडेड एरेशन टैंक जो है उनसे हम इनको वैसे भी ठीक कर सकते हैं। तो सिंथेटिक टेक्सटाइल मिल इंडस्ट्री, बाकी तो ठीक है, ये जो सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है These are the man-made, ठीक है, man-made synthetic fiber like rayon, nylon, polyester, है ना, ये कपड़े जो है वो man-made है, not from cotton or wool, that are natural substances. These fabrics require no processing for remover of natural impurities as they are man-made. जब इनमें कोई ऐसी natural impurity रहेगी नहीं, क्योंकि ये रहेंगे man-made, at the time of processing and at the time of producing, we'll make it as superior as we can, है ना? So, इसमें क्या हो गया? Manufacturing of synthetic fiber और preparation of cloth. So, ये दो process रहेंगे. एक तो वो fiber बनाना और उस fiber से हमें cloth बनाना, ठीक है? So, these steps may be carried out either in one integrated plant or may be separated in two plants, ठीक है? या तो ये एक ही plant में हो जाएगा, या तो दो अलग-अलग plants में हो सकता है, ठीक है? And waste from manufacturing of synthetic fiber resemble chemical manufacturing waste and depend entirely on the raw material used and the process adopted. तो जो कि synthetic fiber की जो manufacturing process है, वो पूरी तरह निर्भर करता है क्या raw material use हो रहा है और उसका क्या process हम use कर रहे हैं। अब pelletization, drying, remelting of extruded, spinning and twisting. The waste from these manufacture are usually characterized by colloidal type of turbidity, type of color and low alkalinity. ठीक है, थोड़ा acidic रहेगा, high amount of total solid in order to 250 mg. ठीक है,
जो टोटल सॉलिड है वो 2500 mg रहेगा, सस्पेंडेड सॉलिड इसमें इतना रहेगा नहीं। द वेस्ट यूजली कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंटायरली ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन, और नाइट्रोजन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन रहेगा। द वेस्ट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज बाई दी हाई COD वैल्यू, ठीक है। 500 mg तक इसमें, 500 mg तक इसका COD रहेगा, और BOD इसका कम रहेगा अराउंड 50 mg। सिंस मोस्टली केमिकल्स एंड अदर सिंथेटिक मटेरियल आर यूजिंग, सो द COD विल बी हायर इन सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड BOD विल बी लो, ठीक है। इट इज ऑफन पॉसिबल एंड एडवाइजेबल फॉर एन इंडस्ट्री टू डिस्चार्ज इट्स वेस्ट वाटर डायरेक्टली इंटू म्युनिसिपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वेर अ सर्टेन पोर्शन ऑफ पॉल्यूशन कैन बी रिमूव्ड। अ म्युनिसिपल सीवेज प्लांट इफ डिजाइन एंड ऑपरेटेड प्रॉपरली कैन हैंडल ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ क्वान्टिटी ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, हेंस इट इज ठीक है। शुगर इंडस्ट्री ये तो अलग है, शुगर इंडस्ट्री। तो भाई अब है शुगर इंडस्ट्री, सो शुगर इंडस्ट्री क्या है भाई? शुगर इंडस्ट्री अपने आसपास तो नहीं है, हमारे जो भोपाल के पास एक शहर है वहां पे मतलब शुगर केन का बहुत ज्यादा वो है, मतलब खेती वहां पे ज्यादा होती है, तो वहां पे शुगर इंडस्ट्री बहुत सारी है, ठीक है। There is one place near that Narsingpur and Gadarwara. You may have listened the name of these cities in MP. So they have too many sugar industries. So in countries like India, the sugar is produced from sugar cane. ठीक है, अपने यहाँ तो sugar cane से sugar बनती है, ठीक है। While in many place, beet roots are used as a raw material for the sugar production. बीट रूट क्या होता है? बीट रूट क्या होता है और शुगर केन क्या होता है? सुन रहे हो कि सो गया? अच्छा, बीच बीच में क्वेश्चन भी करना जरूरी है, नहीं तो तुम लोग सो जाओगे। व्हाट इज बीट रूट? आर यू देयर और नॉट? बीट रूट होता है चुकंदर, ठीक है, वो रेड कलर का। शाबाश। सुन तो रहे हो एटलीस्ट। तो हमारे इंडिया में होता है बेसिकली ये इसका यूज, शुगर केन का, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सो व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? इन मैन्युफैक्चरिंग व्हाट वे डू यूजली, बिना पढ़े अगर मैं बताऊं इसको, तो उसमें होता यह है कि पहले तो शुगर केन, उसमें से शुगर केन की सप्लाई होती है, शुगर केन को उसमें जूस निकाल के शुगर केन का जूस सेपरेट कर लिया जाता है, शुगर केन का जो बाकी का भूसा रहता है उसको बोलते हैं बैगेस, तो वो अलग से उसको प्रोसेस करके जितना जूस निकाल सकते हैं उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज इट विल गोइंग टू थ्रो, इट विल गोइंग टू कंसिडर एज अ वेस्ट, और इट मेक इट कैन बी यूज एज रिसाइकल्ड एज अ दिस थिंग फ्यूल एंड अदर थिंग इन इंडस्ट्री इटसेल्फ, ठीक है। अभी 10 मिनट के अंदर ये अपना क्लास वो होगी तो फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो है ना, और फिर उसके जूस को प्रोसेस करके कोगुलेट करके उसके अंदर की इम्प्योरिटीज को नीचे सेटल करके उसका जूस ऊपर निकाल के फिर उसको और बॉयलर्स में और केमिकल्स वगैरह डाल के उसको क्रिस्टलाइज करके शुगर के फॉर्म में कर दिया जाता है। सो बेसिकली दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग, एंड फ्रॉम द एज पर थ्योरी, लेट मी एक्सप्लेन यू। द शुगर केन्स आर कट इनटू पीसेस एंड क्रश इनटू सीरीज ऑफ रो क्रश इन अ सीरीज ऑफ रोलर टू एक्सट्रैक्ट द जूस इन द मिल हाउस, ठीक है।
So pulses is cut down and the juice is extracted. Juice is extracted from sugar cane, leaving a fibrous residue called bagasse. है ना? तो तुम लोगों के कई प्रो प्रो वो भी होंगे, प्रोजेक्ट वगैरह भी देखा होगा या कभी लिटरेचर में पढ़ा होगा, द यूज ऑफ बैगेज इन योर प्रोजेक्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ बैगेज इन मेकिंग सम, वो बहुत सारे यूज होते हैं इसके. ठीक है, तो ये बैगेज जो होता है उसका बुरा रहता है, जो गन्ने के रस से निकलने, गन्ने जो बचा हुआ गन्ने का वो है, ठीक है, छिलके का. ठीक है, सो विच कैन बी यूज एज अ फ्यूल फॉर द बॉयलर एंड कैन बी डिस्पोज एज अ सॉलिड वेस्ट. ठीक है, so the milk of lime is then added to the juice and heated, है ना, तो उसमें लाइम का जूस उसमें डाल के, इट इज हीटेड एंड व्हेन ऑल द कोलाइडल एंड सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज आर कोगुलेटेड मच ऑफ द कलर इज रिमूव्ड ड्यूरिंग द लाइम ट्रीटमेंट. ठीक है, तो इन प्रोसेस से उसका एक तो जूस का कलर हटाएंगे, ठीक है, उसका लिक्विड. हाँ सर, यहाँ मिल्क ऑफ लाइम क्या बोला है, चूना वाला क्या? ये मिल्क ऑफ लाइम चूना ही लग रहा है मुझे, लेमन सर तो चीनी में चूना मिलाएगा भैया, प्रोसेस उसमें केमिकल और वो सब मिला के, चीनी में नहीं, तो उसको तो ऐसा उसमें भी रखते हैं, लेमन या लाइम ये देखना पड़ेगा इसमें. तो जहां तक है देखो, चूना वगैरह खाने का वो भी तो होगा, तो वैसा करके, तो वो तो प्री हीटेड है, उसमें केमिकल्स वगैरह डालते हैं उसमें, ऐसा तो नहीं है कि नहीं डालते, यस है ना, तुम उसमें भी लाइम सोडा प्रोसेस क्या है अपने, पानी में भी डालते हैं ना कुछ. ठीक है सर. तो बाकी उसको देखते हैं कि लाइम का क्या है. तो बेसिकली एज पर दिस के चूना डालते होंगे, देखो इंडस्ट्री में चूना ही डालते होंगे. ठीक है, तो बेसिकली फॉर कोगुलेशन एंड रिमूव कलर. ठीक है, तो लाइम ट्रीटमेंट से, तो व्हाई लाइम इज एडेड, लाइम इज एडेड टू एक्सट्रैक्ट जूस, टू रेज इट पीएच एंड टू प्रिवेंट द इन्वर्शन ऑफ द सुक्रोज मॉलिक्यूल टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ठीक है, सो देखो स्टार्टिंग में शक्कर में ही डाल रहे हैं हम, उसके जूस में डाल रहे हैं. ठीक है, तो उसके जूस में ये सब डाल के उसको कलर वगैरह, कोगुलेंट वगैरह, कोगुलेंट डालने के लिए भी तो हम एल्यूमिनियम सल्फेट, फेल्यूमिनियम सल्फेट, ये केमिकल वगैरह डालते हैं ना, तो कोगुलेशन प्रोसेस उससे और उसके कलर रिमूवल के लिए. ठीक है, तो द कोगुलेटेड जीज देन क्लेरिफाइड टू रिमूव द स्लज. ठीक है, तो ऊपर ऊपर जो सुपरनेंट बचेगा, जो जूस, जो प्रॉपर जो क्लीन जूस बचेगा, उसको दी क्लैरिफाइड एंड फर्दर फिल्टर्ड. ठीक है, उसको फिल्टर करके उसको हम उसका और वो करेंगे जूस को अगले प्रोसेस के लिए, और जो बचा हुआ जो सॉलिड वेस्ट है, जो डिस्पोज ऑफ है, उसको रिसाइकल करके हम क्या कर सकते हैं, और हाँ जूस वगैरह निकाल सकते हैं. ठीक है, द कोगुलेटेड जूस इज देन क्लेरिफाइड टू रिमूव द स्लज, द क्लेरिफायर इज फर्दर फिल्टर्ड थ्रू फिल्टर प्रोसेस एंड देन डिस्पोज ऑफ एज सॉलिड वेस्ट. ठीक है, द फिल्टरेट इज रिसाइकल्ड टू द प्रोसेस एंड द एंटायर क्वांटिटी ऑफ क्लेरिफाइड जूस इज ट्रीटेड बाय पासिंग सल्फर डाइऑक्साइड गैस थ्रू इट. ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस कब उसमें पास करके उसका जूस को और फर्दर ट्रीट करते हैं. ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सल्फेटिनेशन प्रोसेस. कलर ऑफ द जूस इज कंप्लीटली बेस्ड ड्यू टू दिस प्रोसेस. अब देखो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस का भी यूज कर रहे हैं, तो एट द इनिशियल टाइम वील यूज डिफरेंट थिंग. ठीक है, बट एट लास्ट जाके उसको क्लैरिफिकेशन और फाइनल प्रोसेस में तो ये चीजें सब क्लीन और वैसा वो रहेगा ना, और शायद इसीलिए लोग बोलते हैं कि यूज दिस थिंग, शक्कर का यूज कम करना चाहिए, यूज गुड़ या मिश्री. ठीक
ठीक है। वैसे मिश्री भी इन्हीं प्रोसेस से अलग थोड़ा प्रोसेस बदल देते हैं, तो इसी इन्हीं इंडस्ट्री में मिश्री भी बनती है। द क्लैरिफाइड जूस इज देन प्री हीटेड एंड कॉन्सेंट्रेटेड इन एवापोरेटर एंड वैक्यूम पैन्स, ठीक है। फिर उसको गर्म करके एवापोरेट करके उसको क्रिस्टलाइज कर दें, देन इट इज ट्रांसफर टू क्रिस्टलाइजर एंड उसको फिर उसको क्रिस्टलाइज करके शुगर फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन उसको क्या करते हैं, बैग में रख के ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। और जो मोलासेस है उसको यूज कर सकते हैं, जो गाढ़ा गहरा वो है लिक्विड, वो कहलाता है मोलासेस, उसको हम डिस्लरी में यूज कर सकते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द सोर्स एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम कैरेक्टर ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम मिल हाउस इंक्लूड वाटर फ्रॉम स्प्लैश टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जूस, ठीक है। और एंड दो जूस टू कूल द रोलिंग बेयरर, ठीक है। तो जो वाटर उसको मतलब स्प्लैशिंग के लिए यूज होता है या रोलिंग बेयरर्स को कूल करने के लिए यूज होता है, मतलब उसमें से ज्यादा जूस निकालने के लिए। एज सच द मिल हाउस वेस्ट कंटेन हाई बीओडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शुगर एंड ऑयल फ्रॉम द मशीनरी, ठीक है। इसमें शुगर ये सब वो रहेगा तो इसका बीओडी हाई रहेगा, ठीक है। फिल्टर क्लॉथ आर यूज फॉर द फिल्टर द जूस नीड ओकेशनल क्लीनिंग, ठीक है। तो उसके लिए भी क्लीनिंग में भी वेस्ट वाटर वो होगा जो उसके फिल्टरिंग उसका वो क्लीनिंग के लिए रहेगा, उसमें भी वेस्ट वाटर यूज होगा। एक सेकेंड एक सेकेंड, वो रह गया है 2 मिनट बचे हैं मुझे स्क्रीन प्रिंट करने को। रुकना, इज देर एनी शुगर मिल नियर बाय अवर दिस थिंग इन झारखंड? अब देखो कॉलेज खुले होते तो अलग बात थी कि भाई प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी तो यही कह सकते हैं कि अगर बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज अपने आसपास हों धनबाद में, या वैसे तो ये कोल एरिया है, लेकिन फिर भी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें जाके अगर आसपास है या कांटेक्ट में जाके ऐसे नॉर्मल विजिट करना चाहो तो कर सकते हो भाई, प्रोसेस उसके जानने के लिए। रुकना, ठीक है। तो इंडस्ट्री कोई हो तो जाके ऐसे भी जाके ऐसा घूमते हुए विजिट कर सकते हो वो लेके परमिशन वगैरह लेके। अभी कॉलेज की तरफ से तो पता नहीं अभी कब होगा ये पॉसिबल कि तुम लोग जा सको, है ना।